जी हाँ छात्रों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं वार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 का, कक्षा छठवीं का विषय संस्कृत का, जो आपका 16 अप्रैल को पेपर होने वाला है, उसका पूरा सॉल्यूशन और साथ ही आपको पूरा पूरा पेपर इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर आया हुआ है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए पूरा पूरा पेपर यहाँ पर देख सकते हैं और साथ ही इसका सॉल्यूशन भी पूरा बच्चों इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर आएगा, जिसमें आपको 2.5 घंटे का जो समय आपको इसमें मिलने वाला है और साथ ही आपका पूर्णांक, मतलब ये पेपर आपका टोटल 60 अंक का होने वाला है। 40 अंक की आपकी वर्कशीट दी जाएगी स्कूलों में और 60 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। तो देखिए निर्देश कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। देखिए पहला है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, और दूसरा, आवश्यकता के अनुसार स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बोला गया है। देखिए जल्दी से हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या बोला गया है। तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया बच्चों कि समुचित पदम चित्वा लिखत, उचित शब्द छाट कर लिखिए, आपको बोला गया, मतलब ये सही विकल्प है आपके। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें बच्चों, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, विद्वान पूज्यते, विद्वान कैसे पूजे जाते हैं। तो देखिए पहला एकत्र, दूसरा सर्वत्र, तीसरा अत्र है और चौथा अन्यत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका बी वाला, सर्वत्र। सर्वत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरे क्वेश्चन को रट डालना है। यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ के जाते हैं तो यदि आप जो है टॉप करने वाले हैं। तो देखिए इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश से राजधानी अस्ति, मध्य प्रदेश की राजधानी है, पहला इंदौरम, दूसरा ग्वालियरम, तीसरा भोपालम और चौथा जबलपुरम। तो इसका राइट आंसर बच्चों भोपालम हो जाएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसके बाद देखिए बच्चों आपका तीसरा प्रश्न है कि मकर निवसति, मकर कहाँ निवास करता है। तो आंसर इसका हो जाएगा देखिए, वृक्षे पर्वते नगरे जले, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जले, जो मकर जो है जल में निवास करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए छात्रों आपका अगला क्वेश्चन है घ वाला, कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य कैसे सिद्ध होते हैं, उद्यमेन, ज्ञानेन, सैनेन या फिर मनोरथेन। तो इसका राइट आंसर आपका अ वाला हो जाएगा, उद्यमेन। इस पर आपको जो है टिक लगा लेना है। इसके बाद देखिए हम आगे देख लेते हैं। आगे आपका देखिए पांचवा है, पांचवा विकल्प वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु उपसर्ग अस्ति, निम्नलिखित में से उपसर्ग है। देखिए पहला ज्ञानेन, ज्ञानम, और सेकेंड है आपका देखिए धनम, और तीसरा है आपका अनु, और चौथा है आपका पत्रम। तो इसका देखो उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग आपका हो जाएगा अनु, अनुचार, अनुशासन, आपने सारी चीज़ें सुनी होगी। तो ये आपका अनु जो है इसमें उपसर्ग हो जाएगा। इस तरीके से देखिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर दो है। क्वेश्चन नंबर दो में आपको क्या बोला गया कि प्रदत्ते शब्दते रिक्त स्थानानि पूर्यत, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बोला गया है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको पांच शब्द दिए गए हैं, पांच शब्दों को छाट कर आपको यहाँ पर जो है खाली स्थान को भरना है। तो देखिए छात्रों सबसे पहला आपका यहाँ माला है, निर्माण खाली स्थान भवति। तो इसका देखिए पहले का क्वेश्चन का आंसर का आपका क्या हो जाएगा, पुष्पे, पुष्पे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले खाली स्थान में आपको यहाँ पर पुष्पे भर लेना है। इसके बाद देखिए ख है, भोजनम खाली स्थान भवति, भोजन खाली स्थान होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्याय, स्वास्थ्याय आपको सेकंड जो खाली स्थान में भर लेना है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा है, उज्जैनी खाली स्थान नगरी, उज्जैनी किस प्रकार की नगरी है। तो देखिए इसका हो जाएगा महाकालेश्य, महाकालेश्य इसमें आपको जो है भर देना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा है, जंतव जनवत अश्माकम खालिस्तान संति, क्या है तो मित्राणी, जंतु जो है हमारे मित्र है। इसके बाद देखिए अंगा, शिक्षा क्षेत्र खालिस्तान महती भूमिका अस्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सगणक यंत्र, मस्त कंप्यूटर, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सगणक यंत्र, आपको अंगा वाले में पूरा भर देना है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ पाँच खालिस्तान देंगे, पाँचों के आंसर आपको कुछ इस प्रकार से, पुष्पे स्वास्थ्य महाकालश्य मित्राणी सगणकस्य यंत्रस, इस प्रकार से बच्चों पूरा लिख देना है। इसके बाद देखिए हम तीसरा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों की क्या बोला गया आपको इसमें, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखत, संस्कृत आपको बोला गया, नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर
प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने को आपको बोला गया है। पद्यांश आपको क्या दिया हुआ है छात्रों, देखिए आपको दिया हुआ है कि विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्म, शीलम सर्वत्र वे धनम। आपको इस प्रकार से यहाँ पर जो पद्यांश दिया हुआ है और इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, तो इसके आंसर आपको यहाँ पर देने को बोला गया है इस पेपर में। देखिए क है कुत्र धनम विद्या, और तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क का विदेशेषु धनम विद्या, ये क वाला एक आंसर आपका यहाँ नीचे देख सकते हैं आप। सेकेंड है केसु धनम मति, केसु धनम मति, तो इसका राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा व्यसनेषु धनम मति, व्यसनेषु धनम मति हो जाएगा। इसके बाद देखिए ग है आपका परलोके धनम कीम, परलोक का धन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ग वाला परलोके धनम धर्म, ये आपको इसमें जो है भर देना है। इसके बाद देखिए आपका ग है कीम सर्वत्र धनम, किम सर्वत्र धनम, तो इसमें हो जाएगा सीलम सर्वत्र धनम, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको इसमें जो है ये भर देना है। इस प्रकार से आपको चारों से चारों क्वेश्चन के आंसर आपकी स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं इस प्रकार से, और तो देखिए इनको आपको इस पर जो है भर देना है, रट्टा मार लेना है पूरे पेपर को आपको। देखिए छात्रों इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तकात् कंठस्थीकृतम एक शुभात सुभाषित श्लोकम लिखत, यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति। मतलब क्या बोला गया आपको यहाँ पर कि पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ एक सुभाषित श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, तो आपको यहाँ पर जो एक सुभाषित का श्लोक लिखना है। तो देखिए आपको उत्तर लिखना है, जैसे आपने देखिए आप कोई भी यहाँ पर श्लोक लिख सकते हैं, जैसे देखिए मैंने लिखा है दन्यम च हरिश्याम शरो भारत भूतकाला भूतलात भेदभाव विनाशाय उदयतः सर्वदा वयम, इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक श्लोक यहाँ पर लिख लेना है बच्चों। इसके बाद देखिए हम इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि श्लोक पूर्ति कुरुत, श्लोक को आपको यहाँ पर पूरा करना है। श्लोक दिया हुआ है जिसमें आपको यहाँ पर खालिस्तान दिए हुए हैं, तो उसमें सही सही शब्दों का प्रयोग कर आपको जो है एक खालिस्तान को पूरा करना है। तो देखिए इसके बाद देखिए यस्य नास्ति खालिस्तान शास्त्रम किम गेम, इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं खालिस्तान भी नश्य दर्पण कीम खालिस्तान, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, पहले खालिस्तान में आपका स्वयं प्रज्ञा हो जाएगा, दूसरे में आपका हो जाएगा बच्चों तस्य करोति, और तीसरे में आपका हो जाएगा लोचल लोचना अभ्याम, और देखिए लास्ट वाले खालिस्तान में आपका हो जाएगा करिष्यति। इस प्रकार से आपको ये पूरे खालिस्तान को भर लेना है। इसके बाद छात्रों देखिए आपका छठवां क्वेश्चन है कि अधु लिखितेषु पंच प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन संस्कृत लिखत, आपको संस्कृत में नीचे लिखे गए प्रश्नों में से पांच प्रश्नों के उत्तर जो है एक शब्द में लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि मोहन रात्रो किम पश्यति, मोहन रात में क्या देखता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा छात्रों दूरदर्शनम, दूरदर्शन जो है देखता है। इसके बाद क है क कार्य शादी का भवती, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सहंती, सहंती इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए ग है वायुयानम केन मार्गेण गच्छति, वायुयान या फिर हवाई जहाज होता है कौन से मार्ग पर चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग पे। इसके बाद चौथा छात्रों की मध्य प्रदेश से मध्य भागे क नदी प्रवाहित, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी इसका आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका पाँचवा है कि क प्रतिदिन जम्बू फलानी खादती स्मन, तो प्रतिदिन जम्बू फलानी कौन खाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों वनर, वनर इसका राइट आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका आगे प्रश्न क्रमांक 7 है, बोला गया है अधू लिखे तेषु पंच प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य लिखना, आपको एक वाक्य में यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो देखिए नीचे लिखे गए प्रश्नों में से पांच प्रश्नों के उत्तर जो है एक वाक्य में संस्कृत में लिखो, आपको बोला गया है। तो देखिए छात्रों पहला क्वेश्चन है आपका कि कस्मात विक्रम संवत्स रस्य गणना भवती, तो इसका आंसर आपको लिख देना है। देखिए इसमें उज्जैनी नियम राजा विक्रमादित्य कालात विक्रम संवत्स रस्य गणना भवती, इस प्रकार से आपको इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर ये पूरा लिखना है। इसके बाद छात्र दूसरा क्वेश्चन है कि आदिकवि कह अस्ति, आदिकवि कौन है, तो आंसर आपका हो जाएगा आदिकवि वाल्मीकि अस्ति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए छात्र तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय कस्य निरंतरम प्रयासम अकुर्वम, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रताये निरंतरम प्रयासम अकुर्वम, इसका ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। चौथा छात्र भोजस्य नाम
केन कारणेन प्रसिद्धम, तो इसका आंसर हो जाएगा भोजस्य नाम शिक्षा प्रेता कारणेन प्रसिद्धम। ये आपको पूरे जो है क्वेश्चन आंसर नोट करते जाना है, रट डालना है इनको पूरा। इसके बाद देखिए पांचवा है कि भारत भूतलात वयम किम हरिष्याम, तो इसका मैं छात्र आंसर हो जाएगा भारत भूतलात वयम दैन्यम हरिष्याम, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छात्रों देखिए आपका आठवां क्वेश्चन है कि अधोलिखित पदे पत्रम पूरयत, आपको देखिए निम्नलिखित शब्दों में से पत्र को आपको पूरा करना है। शब्द देखिए आपको यहाँ पर दिए हुए पांच शब्द आपको यहाँ पर दिए हुए, इसको आपको प्रयोग कर कर ये नीचे आपको यहाँ पर जो है पत्र दिया रहेगा, इसको आपको जो है पूरा करना है। देखिए आपको पत्र है सेवायाम श्रीमान प्रधानचार्य महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय मनसा नगरम, इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिलेगा। इसके बाद निवेदनम अस्ति यत मम खालिस्तान, खालिस्तान आपको यहाँ पर दिया होता है, देखिए पहले खालिस्तान में आपका क्या आ जाएगा अद्य अद्य हो जाएगा। दूसरे देखिए इसके बाद क्या दिया हुआ है आवश्यक अस्ति, आवश्यक खालिस्तान अस्ति, तो देखिए क्या हो जाएगा देख सेकंड में आपका हो जाएगा कार्यम, सेकंड में आपका देखिए यहाँ पर आपको कार्यम लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ आपको देखिए आगे देखिए अतः खालिस्तान विद्यालय में आगंतुम न खालिस्तान, तो देखिए छात्रों इसमें आपका देखिए याले खालिस्तान में तीसरे खालिस्तान में क्या आ जाएगा अहम अहम आ जाएगा। और इसके बाद देखिए आपका चौथे खालिस्तान में क्या हो जाएगा सकनोमी, सकनो ये वाला सकनोमी आपका देखिए चौथे खालिस्तान में आपका यहाँ पर जो है आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए अतः अतः एक देवशासी खालिस्तान स्वीकृत करोती, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा अवकाश, अवकाश आपका इसका जो है यहाँ पर जो है आपको अवकाश जो है लिख देना है। इस प्रकार से आपको खालिस्तान भरना है, दिनांक आपको 16/4/2022 16 तारीख को आपका पेपर होगा तो उसी का दिनांक आपको भरना है। इसके बाद देखिए बहुत आज्ञाकारी शिष्य अनुपा कक्षा षष्ठी, आपका जो भी नाम है आपको यहाँ पर लिख लेना है। इस प्रकार से छात्रों आपको ये पूरा खालिस्तान को जो है भर लेना है और ये आपको पेपर को पूरा कर लेना है, साथ ही आपको ये जो आपको एप्लीकेशन दिया हुआ है इसको भी आपको पूरा कर लेना है। इस प्रकार से छात्रों आपका यहाँ पर जो है पूरा आपका पेपर कंप्लीट होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि कक्षा छठवीं में पढ़ते हैं ताकि उनको भी पता चल सके कि उनका पेपर किस प्रकार से आएगा। तो छात्रों मिलते हैं अगली वीडियो में, और किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।